Good evening, everybody, and uh, myself, Lalit Tiwari, and uh, uh, Dr. Pooja Joyal, uh, Dr. Uh, Prabha and uh, Dr. Kritika Padalia, and all uh, the students of uh, Uttarakhand Open University. And today, my topic is uh, basically on uh, ICBN. And so, I will discuss the taxonomy of angiosperms, particularly. So, how we can do, how we can start the process of uh, naming, how we can, uh, the basic process we can start that. मैं दोनों कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं अपनी बात रख सकूं ताकि जो श्रोता हैं वो बहुत आसानी से इस बात को सुन सकेंगे जैसा कि आप सबको पता ही है कि विश्व में जो पौधे हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या एक मौजूद है यानी वंस वी आर टॉकिंग अबाउट द हाउ मेनी स्पीशीज हैज बीन आइडेंटिफाइड सो 17 लाख 50000 स्पीशीज हैज बीन आइडेंटिफाइड टिल टुडे दिस डाटा हैज बीन गिवन बाय द हेवर्ड एंड डेविड एंड हेवर्ड So, इस आ, हिंदुस्तान में जो पौधों की संख्या जो हमारे जीवधारी हैं बायोडाइवर्सिटी की जो संख्या है करीब छियालीस हजार छह सौ दस है और इन हम जो एक आंकड़े की बात कर रहे हैं कि सत्रह लाख पचास हजार जो अभी पूरे जीवधारी हैं वो ज्ञात हैं तो वो उनकी एक विशेषता है कि हम उनको अलग अलग नामों से जानते हैं हम ये इंसान के जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क ने एक ऐसा महत्वपूर्ण विधानी है साथ में डायडाई जिन्होंने फिजिशियन होने के बावजूद भी बहुत बेहतरीन काम किया लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण इस इस प्रोसेस में आए वो रहे आपके करलोस लिनियस जिन्होंने सेवनटीन के बाद एक नया युग की स्थापना की तो बेसिकली बात करना चाहेंगे कि इन uh, यूनिवर्स में लैक्स ऑफ प्लांट्स हैं और उनको आइडेंटिफाई करना और उनको एक क्लासिफिकेशन सिस्टम में लाना एक अरेंजमेंट करना ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है जैसे की संख्या पूरे विश्व में uh, दो लाख पचास हजार तक की ज्ञात है सिस्टमैटिक इसीलिए जो सिस्टमैटिक बॉटनी है या जो क्लासिफिकेशन है उसका मेन ही अरेन्जमेंट ऑफ द प्लान है तो उन प्लांट्स को अरेंज करने के लिए सिस्टमैटिक बॉटनी का जन्म हुआ और आज हम बायोसिस्टमेटिक्स की बात करने लगे हैं तो ये ये सारा जो इश्यूज हैं जो सारे विषय हैं वो कहां से शुरू हुए सर्वप्रथम कलेक्शन से शुरू हुए कलेक्शन मतलब प्लांट्स का कलेक्शन से ये प्रोसेस शुरू हुई और उस कलेक्शन के बाद ये सर्टेन सिस्टम में ऑर्गेनाइज किए गए सर्टेन सिस्टम में अरेंज किए गए तो ये जो अरेंजमेंट का प्रोसेस हुआ जो कलेक्शन का प्रोसेस हुआ वो प्रोसेस एक जो कहूंगा कि एक प्लांट्स को हमने एक पौधा उसको कलेक्ट किया उसको ड्राई किया ड्राई करने के बाद उसको हमने पॉइजन पॉइजन किया करने के बाद हमने उसको एक माउंट किया अप्रोप्रिएट सीट में और सीट में अप्रोप्रिएट करने के बाद उसके लिए एक स्पेशली पिजन होल्स की तरह अलमारियां बनाई जाती हैं जिसको हम हर्बेरियम नाम देते हैं तो हर्बेरियम से ये जो शुरुआत होती है तो प्लांट जो प्लांट्स है वो जो हरबेरियम सीट के ऊपर है वो ही प्लांट स्पेसिमेंट कहलाता है और यही प्लांट स्पेसिमेंट जो है वो पूरे फ्लोरिस्टिक स्टडीज का बेसिक पॉइंट है विदाउट द हम प्लांट स्पेसिमेंट के ना तो हम नॉमिनचर कर सकते हैं और ना हम जो हमारी जो हमारी क्लासिफिकेशन की प्रोसेस है उसमें जा सकते हैं तो प्लांट मटेरियल के लिए हमें पहले सेलेक्शन करना पड़ता है उसके बाद कलेक्शन करना पड़ता है और उसके बाद प्रिजर्वेशन की टेक्निक अपनाकर हम उसको हर्बेरियम का रूप देते हैं और यही जो कलेक्टेड सेलेक्टेड कलेक्टेड और प्रिजर्व स्पेसिमेन है वही जो क्लू है वो आइडेंटिफिकेशन का क्लू है तो क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे बनता है क्योंकि जब हम बहुत सारे एक जगह के स्पेसीज को कलेक्ट कर लेते हैं और उसको कलेक्ट करने के बाद उसको प्रिजर्व करके स्पेसिमेंट बना देते हैं तो वो जब परमानेंट हो जाता है तो वो हर्बेरियम कहलाता है और हर्बेरियम जिसको हम प्लोर कहते हैं हर्बेरिया तो हर्बेरियम क्या है सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि हर्बेरियम क्या है क्योंकि हर्बेरियम बेसिक टूल है आईसीबीएन uh, का आईसीबीएन मीन इंटरनेशनल कोर्ट फॉर बॉटनिकल मॉडर्नर तो यहां से जब हम शुरुआत करेंगे क्योंकि जब तक हम पौधे को कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसके नाम के बारे में नहीं सोच सकते हैं तो so, केवल चित्रों के आधार पर नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसका एक जो कहूंगा कि उसका जो सबूत है उसको हमने ड्राइड अवस्था में रख लिया है और उस ड्राइड अवस्था को हमने एक वेल well मैनर्ड और वेल सटेन सिस्टम के आधार पर एक क्लासिफिकेशन का निर्माण करने की प्रोसेस की है तो so, ये हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन Uh, in its dried, pressed, preserved, and mounted plant specimen, they are arranged in a sequence of an accepted system of classification for future reference as well as the studies. So, that this herbarium is uh, not only the uh, storehouse of plant specimen, and how the, there are certain processes there. The first one is the collection. The collection is also depending on the uh, what uh, what plant parts you require that. so that is also depending on that so this point is that 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 then the once you are collecting the plant then you are drying it then you are pres, uh, pressed it then you are going to preservation and then you are going for the mounting uh, and um, following the accepted system of classification and that is a very basic tool because uh, जो herbarium sheet है वो ही type का निर्माण करता है अब type मैंने इसलिए शब्द इस्तेमाल किया अब यहीं पर से हम ICBN की भी बात करेंगे क्योंकि हम type की बात करते हैं type से ही प्लांट्स का नाम निकलता है देर आर सेवन टाइप्स अभी हम जब आई पढ़ेंगे तो उसमें भी एक क्लियर करेंगे कि टाइप्स क्या है देर आर सेवन टाइप्स द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिफेन विच एज बिन कलेक्टेड फ्रॉम फार एंड दे माउंटेड ऑन अप्रोप्रिएट सीट एंड दे कैप्टन टू दीजन होल्स ऑफ स्टील और वुडन कप फॉर द स्टडी ऑफ द सम प्लेस एज वेल एज द टाइम तो अभी कोई हमें किसी स्थान की अगर हमें स्टडी करनी है तो हम कैसे प्रारंभ करेंगे अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स के स्टडी के लिए हमारा क्षेत्र क्या नैनीताल है क्या कुमाऊ है क्या नैनीताल जिला है क्या उत्तराखंड है क्या वेस्टर्न हिमालय है क्या उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है तो हम उसके लिए सबसे पहले जो अपने प्रोसेस की शुरुआत होंगी हमें कौन से पौधे चाहिए हम कौन से पादों पर इंटरेस्टेड है हम एनजीओ पर इंटरेस्टेड है हमारा कार्य जिम्नोम पर आधारित है हमारा काम ब्राफाइटा पर आधारित है हमारा काम एलग पर आधारित है या हम किसी फंजाई पर काम कर रहे हैं तो हमारा जो फ्लोरिस्टिक एनालिसिस है वो हम पहले एक टिपिकल प्लांट्स को कैटेगरी को हम अपने कंसिडरेशन में करेंगे और उसके करने के बाद हम उसके प्लांट हर प्लांट का स्पेसिमेट करेक्ट करेक्ट करेंगे जब भी हम फॉरेस्ट में जाएंगे तो हम वी हैव टू कलेक्ट एटलीस्ट सिक्स है

उसके लिए कई सारी मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं उसके बाद एक लेबल एक सीट होती है ट्वेंटी हैंडमेड पेपर का इस्तेमाल किया जाता है और उस पेपर के इस्तेमाल में इसको हम टेक्निक्स के जरिए या तो फेबिकोल से इसको ट्रैक कर देते हैं और या इसको इसमें एक टैग सा लगाते हैं ताकि वो चिपका रहे कभी भी उससे निकले ना और साथ में एक लेबलिंग होती है तो ये राव और जैन और राव की एक है, 1977, उसको के लिए किया जाता है तो जब जब हम हर्बेरियम की बात कर रहे हैं और आज के दौर में भी बात कर रहे हैं कि वर्तमान दौर में कि मॉडर्न टाइम में कैसे हर्बेरियम बना सकते हैं तो फॉसबर्ग और साचेट ने 1965 में मॉडर्न हर्बेरियम की बात करी और उन्होंने कहा कि मॉडर्न मॉडर्न हर्बेरियम इज अ ग्रेट फाइलिंग सिस्टम उसमें दो प्रकार के डाटा कलेक्ट होते हैं एक तो प्राइमरी जो एक्चुअल स्पेसिमेन है सेकंड जो आ, उसके जो जो उसके नोट्स हैं, हैं, पब्लिकेशंस है, और साथ ही जो उसका पिक्चर है वो भी एनालाइज होता है हालांकि अब डिजिटल हरबेरियम की बात हम लोग करने लगे हैं लेकिन डिजिटल हरबेरियम बनाने के लिए भी हमें पहले हरबेरियम की जो टेक्निक्स है बेसिक टेक्निक्स है उसके टेक्निक्स को फॉलो करके हमें

इसी तरह से जब हम बात करते हैं सुकुलेंट प्लांट्स की तो सुकुलेंट प्लांट्स के लिए क्योंकि वो फ्लैसी होते हैं उनकी लीव्स मोटी होती है जो फिलोकेट्स हैं जो उनके मोटे होते हैं थिक होते हैं तो उनको कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए केमिकल प्रिजर्वेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है उनको यूजली इस सोल्यूशन में प्रिजर्व किया जाता है और साथ ही जब हम बात कर रहे हैं कि कौन से पौधे हमें चाहिए हमें अगर ब्राइफाइड का कलेक्शन चाहिए तो हम ब्राइफाइड्स में हमें क्या क्या उसके चाहिए अगर हम टेरिडोफाइटा में कर रहे हैं तो टेरिडोफाइटा के रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जब आए वो सीजन में हमें कलेक्शन करना चाहिए ताकि के आइडेंटिफिकेशन में सहूलियत मिले इसी तरह जब हम जिम्नोस्पम्प्स में जाएंगे तो जिम्नोस्पम्प्स में हमें कोन की जरूरत पड़ेगी कोन के बिना हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे मेल फीमेल कोन्स उसके साथ जो हम एंजियोस्प्स पर जब हम आते हैं तो एंजियोस्प्स में हमको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है एक तो हमें कौन सी स्पीसीज चाहिए कौन सी वेजिटेशन में मिलेंगी कौन से सेल्टीट्यूडनल जोन में मिलेंगी और साथ ही हमें यह भी निर्धारित करना होगा कि हमें उसका हमें उसका और फ्रूट भी वहां पर से मिल जाए तो ये अगर हमें ये दोनों जो उसके पार्ट्स हैं है फ्लोरल अरेंजमेंट जिसको हम कहते हैं और साथ ही हमारा जो आ, उसका जो फ्रूट है अगर वो हमें नहीं मिल पाएगा तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई थ्रू विदेल्प ऑफ द लीव विदेल्प ऑफ द दिक्कस so that is a very interesting point for the uh, preparation of herbarium because herbarium is a base of floristic study herbarium is a base of uh, uh, not only the nomenclature from which the uh, classification can also be uh, prepared so uh, the, there are definitely there are uh, some functions very specific functions have been assigned to the herbarium uh, this uh, this uh, herbarium helps them into the accurate identification of the plant uh, this is a manual method, however, you, how you can say, but that is a very useful method because the dried specimen gives the uh, clues, uh, very uh, clear clues for the identification of the plant. अब दूसरा जो हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी कि नैनीताल में कौन से प्लांट्स होते हैं तो नैनीताल में कौन से प्लांट होते हैं सोर्स कहां से मिलेगा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा हर्बेरियम होगा हम उत्तराखंड में अगर बात करें कि उत्तराखंड में कौन से प्लांट्स मिलेंगे तो उसका सोर्स होगा जो उत्तराखंड का हर्बेरियम है जैसे हम सीसीआरएस रानीखेत तापला की बात कर सकते हैं इसी तरह से अगर हमें इस जोन के पूरे चाहिए तो हम आ, BSI का जो में उसकी बात कर सकते हैं, या बड़ा एस एफआरआई का हमारे पास है, जिस से हम ए, इनकी की बात कर सकते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स किस किस जगह पे पाए जाते हैं और साथ ही जो हमको प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स की इकोलॉजी क्या है और कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो दैट हैज बीन यूज्ड इन इन प्रिपेयरिंग यूटिलिटी we can get the whole information from the uh, this herbarium and also the scientific observation the validation of the scientific observation climate change genetics and conservation matter can be identified with the help of the herbarium and without the herbarium we cannot go for the research as well as the training either we are talking about any field either we are talking about the biotechnology either we are talking about the genetics either we are talking about the cytology either we are talking about the um, um, ecological studies either we are talking any type of study so the study's basic point is the uh, is the herbarium because once we are not knowing the plant name so how we can go for the uh, research so to uh, herbarium also help them into the research as well as that uh, teaching as well as the uh, these uh, these, uh, these are the very important tool so ecological as well as the economic data वट आर दीज आर इम्पोर्टेंट विच आर नॉर्मली ग्रोइंगाइज दो ये डाटा जो है जो आर्थिक आधार यानी कि दूसरी बात मैं कहूंगा कि इथ्रोबोटनिकल डाटा कलेक्शन विदाउट हर्बेरियम के हम नहीं कर सकते हैं कि हम जैसे किसी गाँव में जाते हैं और उस प्लांट के हर्बेरियम के आधार पर जब हमें वो प्लांट मिलता है उसकी जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है वो इसके जरिए हम कर सकते हैं और जब हमारा हर्बेरियम बन जाता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है महत्वपूर्ण काम इसलिए करता है क्योंकि ये क्लासिफिकेशन का बेसिक टूल है क्लासिफिकेशन का जब बेसिक टूल है तो की के निर्माण में जिसको हम हिंदी में कुंजी कहते हैं की के निर्माण दो आ, हम एक, एक दो डिफरेंट करेक्टर कॉन्ट्रास्ट करेक्टर लेते हैं कॉन्ट्रास्ट करेक्टर लेंगे तो जब हरबेरियम सीट जो एक स्पीसीज को निर्धारित कर रहा है उसको हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगा और उस ग्रुप को डिवाइड करने के लिए हमें की की जरूरत पड़ती है और की का निर्माण

so these, these, these are basic points we can say that these type of study either the monographic as well as the floristic studies cannot be done without the herbarium so herbarium is a tool so contrast in 1968 and also brennan was also working on herbarium so they were talking about the how the herbarium is used or how the herbarium are useful so they were talking about that उन्नीस सौ अड़सठ में कहा कि का का जो है वो ओन रिसर्च प्रोग्राम होना चाहिए मतलब सिर्फ पौधे कलेक्ट करना नहीं है उसका रिसर्च को जन्म देने का यानी कि रिसर्च में और क्या नया हम कर सकते हैं ये हर्बेरियम से ही आएगा जब एक नई स्पीसीज आएगी तो उसके कई सारे गुण आपको दिखाई देंगे अवगुण आपको दिखाई देंगे जैसे एक एग्जाम्पल दूंगा कहना सटाइवा कनबी सटायबा भांग जिसको हम कहते हैं कनबी सटायबा क्या है इसमें जो कंटेंट है इसको ड्रग प्लांट घोषित किया गया है लेकिन अब हम हमारी जो सरकार है वो प्रयास कर रही है कि इसमें जो कंटेंट है उस कंटेंट को कम कर दिया जाए कि जो केमिकल कंटेंट है जिससे इसमें गांजा और जो ड्रग्स बनती है वो बनती है तो वो बन, वो उसके लिए ये पौधा बैंड है तो उसके लिए अब दूसरा स्टॉक बनाया जा रहा है कोशिश जारी है ताकि उसका कंटेंट घिर जाए ताकि जो उसकी मेडिसिनल यूटिलिटी है वो स्टैब्लिश हो सके तो देखिए एक एक्सपेरिमेंट दूसरे एक्सपेरिमेंट को जन्म देता है और इसी का काम हरबेरियम के जरिए शुरू होता है तो हरबेरियम में जो एक स्तर नहीं है हरबेरियम जो है वो कहूंगा कि एक नए रिसर्च प्रोग्राम्स को जन्म देता है और इसी में टाइप्स होते हैं

अगर जो हर्बेरियम हमारे पास नहीं होगा तो हाउ वी कैन टॉक अबाउट द टाइप्स दूसरा जो रिपोजिशन हिस्टोरिकल प्लांट मटेरियल है जो हिस्टोरिकल प्लांट्स हैं उनको हम आ, कैसे इकट्ठा रख सकते हैं तो हम हर्बेरियम के जरिए उनको इकट्ठा कर सकते हैं और यदि हम इंटरेस्टेड हैं दूसरे जगह के काम करने के लिए दूसरे विदेशी प्लांटों में काम करना चाहते हैं या वेस्टर्न हिमालय के लोग ईस्टर्न हिमालय के प्लांट्स में काम करना चाहते हैं तो लोन हाउ वी कैन गेट द लोन नॉट लाइक द रुपीज प्लांट सिस्टमेशन होना चाहिए यानी कि मतलब का हर्बेरियम है या बी एस आई का हर्बेरियम है वो वही काम ना करें जो काम हमारा नॉर्थ ईस्ट का कर रहा है तो ये ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझने की जरूरत है क्योंकि अगर हर्बेरियम में कॉपरेशन होगा हरबेरियम में आपस में सहयोग होगा तो हम जो एक एरिया दूसरे खबर क्या उस एरिया को रखेंगे ताकि वो वो लोग उस पर काम कर सके उस एरिया के लोग उस पर काम कर सके और जो हम दूसरे जगह के लोग हैं वो दूसरे एरिया के लोगों में काम कर सके जो है वो जो भी है, या है वो वो बड़े बड़े जितने भी हिंदुस्तान में पब्लिक इनकम टैक्स से पे करके बने होते हैं और जब आ, उसके आधार पर बने होते हैं तो सबसे बड़ा उद्देश्य हरबेरियम का जो है वो टू फुलफिल द पब्लिक नीड है तो पब्लिक नीड पब्लिक को क्या चाहिए जनता को क्या जरूरत है ये हरबेरियम की बेसिक पॉइंट्स हैं। अब जब हम हर्बेरिया की बात कर रहे हैं जिस पर जिसको किसी कंटेंट के आधार पर जिसको किसी पर्पज के आधार पर जिसको किसी रीजन के आधार पर जिसको किसी प्लेस के आधार पर और जो प्लांट्स की डिफरेंट कैटेगरी यूजफुलनेस है उसके आधार पर बनाया गया इंटरनेशनल हर्बेरियम सेल्ड रीजनल हर्बेरियम एंड थर्ड टाइप इज कॉल्ड द लोकल हर्बेरियम देशनल हर्बेरियम द हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटेिकल गार्डन the Herbarium of CNH, CNH Central National Herbarium, which is in Howrah uh, uh, in West Bengal. So the point of interest is that the, there are the, the, the this is a, uh, where the uh, where the different parts of uh, world plants specimens are there. So that is the international one. If there's the original plants has been collected and these regional plants has been given for um, uh, collection or given for preservation, either you can say, ये रीजनल हार्बेरियम कहलाएगा जैसे रीजनल हर्बेरियम में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं देहरादून का जो बी एस आई सर्वे ऑफ इंडिया का जो हर्बेरियम है वो रीजनल हर्बेरियम है

उस लगाव को बचाने के लिए उन्होंने लोकल हर्बेरियस का निर्माण किया है तो लोकल जो हर्बेरियम की जब हम बात करें जब हमने बात करी थियोफ्रेस्टस की बिफोर क्राइस्ट बात करी उसके बाद डायोस्कोडाई डायोस्कोडी की बात करी तो डायोस्कोडी के साथ साथ जो आ, हर्बेरियम है उसका सबसे पहले जो कहूंगा कि उसका जो निर्माण का जो एक स्टडी बेस बनाया गया वो 1545 में बनाया गया यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ में इटली में तो यहीं से जो एक जो हम मॉडर्न टेक्निक्स में आज भी हर्बेरियम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो वहां से ये टेक्निक प्रारंभ कि कैसे हर्बेरियम बनेगा कैसे हम उसको उसकी प्रिपरेशन की मेथड्स रखेंगे अभी आज विश्व में करीब करीब बारह सौ हर्बेरियम हरबेरियम है कुछ छोटे छोटे हर्बेरियम है यूनिवर्सिटीज में और फार्मेसीज में और इंस्टीट्यूशन में लेकिन पचास हर्बेरियम ऐसे वर्ल्ड में है जिनके साथ बहुत सारी सुविधाएं हैं तो ये बहुत बड़े बड़े हर्बेरियम्स हैं जिनमें बहुत सारी सुविधाएं हैं और इनके साथ ग्लास हाउस ग्रीन हाउस और अदर फैसिलिटीज हैं जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन की बात करें तो जॉर्ड्रल लेबोरेटरी फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल साइटोलॉजिकल काम भी इसमें शुरू किया गया है यदि हम बात करें कि हरबेरियम कुछ एक नजर डालें कि कितने कितने वर्ल्ड में हर्बेरिया में बड़े बड़े हर्बेरियम हैं और छोटे छोटे हर्बेरियम हैं जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड है अः अठारह सौ तिरपन में ये स्टैब्बलिश हुआ और लाख पर है जो यूएसएसआर था वहां का भी बहुत बड़ा है अठारह सो 1823 में, में बना यहाँ भी काफी सारे हर्बेरियम सीट्स है uh, yeah. हर्बेरियम ऑफ रंगून यूनिवर्सिटी नाउ दिस इज कॉल्ड बर्मा दिस इज कॉल्ड म्यानमार पंद्रह हजार सीट्स यहाँ पर है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कैलकटा में पच्चीस लाख के जो स्पेसिमिन सीट हैं वो है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट का जो देहरादून में है तीन लाख स्पेसिमेंट्स है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया सदन सर्किल जो कैम्बूर में है अठारह सो चौहत्तर दो लाख स्पेसिमेंट्स यहाँ पर है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ईस्टर्न हिमालय शिलोंग ये बी बनने के बाद उन्नीस में बना यहाँ एक लाख स्पेसिमेन की सीट यहाँ पर रखी गई है और इसी तरह से बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वेस्टर्न घाट पूना में जो 1956 में बना यहाँ एक लाख पैंतीस हजार यहाँ पर सीड्स हैं सीड्स का मतलब इतने सारे स्पेसिमेंट्स हैं लेकिन स्पेसीज में मोर मोर एक जो इंडिविजुअल स्पेसीज है उसके मोर स्पेसिमेंट्स हैं इसलिए टोटल जोड़कर यहाँ पर रखा गया अब जब हम बात कर रहे हैं कि जब हमने बात करी हर्बेरियम की बात करी तो हर्बेरियम की बात में हम इस निष्कर्ष में भी पहुंचे कि हर्बेरियम बेसिक टूल है क्लासिफिकेशन का क्योंकि बेसिक टूल ये कुंजी बनाने का काम कर रहा है की बनाने का काम कर रहा है साथ ही ये नॉमन प्रोसेस जो है, जो नामकरण की पद्धति है वो नामकरण की पद्धति इसी से शुरू होती है तो फंडामेंटल जो फाउंडेशन ऑफ दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन बिकॉज दैट हैज स्टार्टेड बाय सो हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द बाई सो लिनियस का मेजर कंट्रीब्यूशन है कार्लॉन uh, लीनियस जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहते हैं 1800 आ, उन्होंने हालांकि फिलोसफिया बॉटनिका में सत्रह में उन्होंने आ, ये पब्लिश किया वही आज आधार है आ, हमारे जो प्लांट्स हैं उनके नामकरण का जैसे बाइनोमियल सिस्टम है अथॉरिटी है तो अभी वन बाय वन वी विल गो ऑन दिस वन बट फर्स्ट में 1753 ये इनिशियल डेट है जहां पर उन्होंने स्पीशीज प्लांटेरम नाम की एक फ्लोरा uh, पब्लिश किया था और उस बुक के साथ ही हमारी जो इनिशियल कट ऑफ डेट है बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर की वो वहां से शुरू हुई वो वहां से प्रारंभ हुई 1813 में एपीडी कंडोल ने कंडोल ने प्रपोज किया रूल्स दिए कुछ जो प्लांट नोमेनक्लेचर के नाम आ, के लिए इंपॉर्टेंट है उन्होंने थ्योरी एलिमेंटरी डीला बोटेनिका नाम से इनको रूल्स को पब्लिश किया फर्स्ट इंटरनेशनल बोटैनिकल कांग्रेस जो है 1864 में ब्रुसेल्स में हुई बेल्जियम में हुई वो फर्स्ट इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर की जो मीटिंग थी वो 1867 में हुई पेरिस में हुई

And he again given the um, code for botanical nomenclature. The process of up uh, now, the basic question comes into mind that the how the uh, what uh, why we require the ICBN because the process of naming the plant based on international rule and that has been proposed by botanists to ensure a stable and uni universal uniform system. And this is called the botanical nomenclature. Yaniki, visume ek pondeka nam aq just ja example, best example, amka.

Because the Linnaeus has already described into the species plantarum page number uh, 55, so he clarified that that the Mangifera indica, which is having the certain characteristics, is a Mangifera indica, which is known as the mango. So we have no right to change the name of the mango. So this we can uh, even we can talk about the variety, but we cannot change the name of the mango. The common name is the name of the plant in a particular area or locality given by the people of that particular area.

इसके मैं काम शुरू किया एडी ट्वेंटी एडी 79 एडी सेवनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री स्टैब्लिश ट्रेडिशन प्लांट गिवन दैटिन नेम बिकॉज आप कैरोस लिनियस ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि जो उन्होंने कहा कि जो बॉटनिकल नेम होंगे वो लेटिन में होंगे अब लैटिन में होंगे तो क्यों होंगे क्योंकि लैटिन जो है वो एक डेड लैंग्वेज है उसका जो अर्थ होता है वो बदलता नहीं है वो अर्थ ए, लिविंग लैंग्वेज के जो हमारा कंसेप्ट है कि हम हिंदी और अंग्रेजी देखते हैं तो जो लैटिन में है लैटिन का जो हम भाषा इस्तेमाल करेंगे तो लैटिन का हिंदी अर्थ भी लैटिन ही होगा इसी तरह से जब हम बोटेनिकल जो डिस्क्रिप्शन है लैटिन इज वेरी डिस्क्रिप्टिव विद मेनी टर्म्स ऑफ एंड कलर और इसी के ये, ये और कलर के आधार पर ही स्पीसीज का निर्माण हो जाता है या का नामकरण हो जाता है तो लैटिन में क्यों हम नामकरण करते हैं आ, ये लिनियस ने बहुत स्पष्ट बताया और उन्होंने कहा कि जो लैटिन है वो डेड लैंग्वेज है उसमें जो उसका जो एक अर्थ होता है वो एक ही अर्थ होता है यानी कि जैसे हम हिंदी और इंग्लिश में तो अलग अलग अर्थ में चले जाते हैं लेकिन उस पर ऐसा नहीं होता है दूसरा जो बोटेनिकल टर्म्स की बात करते हैं तो लैटिन जो है वो बहुत डिस्क्रिप्टिव है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है इसमें सेप टेक्सचर और कलर के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और इसलिए बोटेनिकल साइंस में वो कई सारी स्पीसीज को निर्धारित करने में भी मदद कर देता है और साथ ही इसमें कोई uh, राजनीति नहीं है राजनीति नहीं है तो इसलिए आसान लैंग्वेज है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये लीनियस का मानना था लीनियस का मानना था तो जब आ, लीनियस आए तो उन्होंने एक नया आ, उसको कहूंगा कि प्रैक्टिकली इजाद करने की कोशिश की कि बायोनोमल सिस्टम जिसको हम हिंदी में कहते हैं दुनाम पद्धति तो दुनाम पद्धति के जनक तो बोइन थे बॉइन और बॉइन ने बहुत काम किया दुनाम पद्धति में लेकिन उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट जो था वो लीनियस ने किया तो लीनियस ने कहा कि कोई भी बोटेनिकल नेम्स जो है वो दो इपिथेट से होगा यानी कि एक जेनेरिक होगा दूसरा स्पेसिफिक होगा और यदि हम वैरायटी की बात करेंगे तो वैरायटी में ट्राइनोमिनल होगा यानी जो ट्राइनोमिनल यानी कि तीन तीन नाम उसमें होंगे जैसे हम कहते हैं मॉलिस वैरायटी मेजर ड्राइनेरिया मॉलिस वैरायटी माइनर तो ये आ, तीन ट्रा, ट्रा, ट्राइनोमिनल तीन आ आगे तीसरा वाला जो इपिथेट्स है वो वेराइटी को दिखाएगा लेकिन यूजली जो है जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम होगा जेनेरिक नेम जो है वो कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल हम हम लोग यूजुअली जब लिखते हैं तो कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं और स्पीशीज नेम को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं लेकिन एज पर द रूल जो है वो लैटिन में लिखा जाना चाहिए तो जब हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो उसको हम इटैलिक uh, कर देते हैं तुरंत से तो ताकि वो हमारे जो आईसीबीएन का रूल है उसको हम फॉलो कर सके और जब हम कई बार प्रैक्टिकल में इस काम को करते हैं या थ्योरी में उस काम को करते हैं तो अब हम जब बॉटनिकल नेम लिखते हैं तो उसके नीचे लाइन लगाना भूल जाते हैं तो जब हमने उसके लाइन लगाना भूल गए तो दैनिक इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ बड़ी भूल कर दी है और भूल करने के बाद जो हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है जो हमारे लिखने की पद्धति है वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो ये बॉटनिकल साइंस में ये जो साइंस में वैसे तो साइंस में जब हम बात करते हैं तो एक एक प्रोसेस होती है प्रोसेस को फॉलो करना ही साइंस है और उसके तहत रिजल्ट लाना आ, ये यही रिसर्च है तो ये इस बात का सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे और साथ ही जो लीनियस है लीनियस बहुत, बहुत बह� अभूतपूर्व कहूंगा कि एक किसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने मेडिकल डॉक्टर थे और मेडिकल डॉक्टर के साथ साथ उन्होंने कई जगह जुली में भी काम कर दिया और बॉटनी में भी काम कर दिया देखे तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पर जब आ, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी कहा गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी वो उनके लिए बहुत छोटा सा एक उनका सम्मान है लेकिन लीनियस ने रूल्स जेनेरिक नेम के फंडामेंटल बॉटेनिका जो 1736 थर्टी सिक्स में और क्रिटिका बॉटेनिका 1737 में पब्लिश की वहां से उन्होंने इसकी नेमन क्लेचर की शुरुआत कर दी फिर जो आ, लीनियस हैं उन्होंने 1753 में बायोनोमिल सिस्टम को बिल्कुल इंट्रोड्यूस कर दिया और स्पीशीज प्लांटरम इसीलिए मैंने कहा कि फर्स्ट में 1753 इनिशियल डेट है अब इस इनिशियल डेट है क्योंकि इस डेट से को स्पीशीज प्लांटेरम नाम की जो उनके फ्लोरा था उन्होंने पब्लिश किया और बाइनोमियल सिस्टम को उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाया इसी तरह से जब उन्होंने बात करी कि जेनेरिक नेम कैसे होगा जेनेरिक नेम जो है वो आ, कलर पर हो सकता है नेम पर हो सकता है या एडजेक्टिव पर हो सकता है जैसे सारसेनिया जो माइकल सैरासिन साइंटिस्ट उसके नाम पर सैरासैनिया रख लिया गया स्पेसीज ऑलवेज ऑन एडजेक्टिव हो सकता है जैसे व्हाइट फ्लावर को एल्बा कहते हैं और एडिबल वन को सटाइवा दो ब्लैक कलर को नाइग्रम तो ये ये बड़ा आसान तरीका का आ गया स्पेसीज में भी प्रोनाउन दा जैसे अमेरिकन है अमेरिकन इंडिका है है, तो ये ये बेंगालीस के हैं। इसी तरह से सेप पर भी हो सकता है जैसे लीफ का सेप, कैसे या नेम ऑफ द अदर साइंटिस्ट टू प्लेस दैम इन टू डेडिकेटेड वन साइनी फॉर एग्जाम्पल इज अ वेरी फेमस पेलियो बॉटनिस्ट फ्रॉम इंडिया

It was formally uh, called the International Code for of Botanical Nomenclature, which is called the ICBN. So, ICBN is very clarifying that this is dealing with the botanical nomenclature. The name was changed uh, at the International Botanical Congress in Melbourne in uh, July 2011 as a part of the Melbourne Code, which replaced the Vienna Code in 2005. So, there is a long process, uh, if I'm just talking about the 1867. So, the Paris Code has been formulated. And then the roster code in 1892, then the Vienna code 1905, American code in 1907, Brussels code 1912, Cambridge code 1935, Amsterdam code 1947, Stockholm code 1952, Paris code 1956. The, this is very famous, but this has been formulated by the Len Zhao. The Montreal code 1961, Edinburgh code 1966, Seattle code 1972, Leningrad code 1978. Sydney Code 1983, Berlin Code 1988, Tokyo Code 1944, Saint Louis Code uh, uh, this uh, na, 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 this uh, is, is a recent one, and uh, this is 1999, Vienna Code 2005, Melbourne Code uh, 2011, and Shenzhen Code 2017. So these are the different codes. These are the, usually usually with the, they are associated with the International Botanical uh, Congress.

और बॉटेनिकल नोम और जूलॉजिकल नॉमिनक्लेचर में कोई सिमिलरिटी नहीं होगी तो ये, ये नया नामकरण करने जा रहा है या नया कलेक्शन करने के बाद नया ना, उसको नाम देना चाहता है वो बेसिक पॉइंट है दूसरा जो बेसिक पॉइंट है कि एक हमारे जैसे अब हम इंसानों की बात करते हैं हालांकि इंसान एक ही स्पीसीज है होमोसेपियंस लेकिन इंसानों के एक एक के एक लाख ना एक हिंदुस्तान की बात करें तो एक एक नाम जो है वो एक लाख दस लाख एक करोड़ के भी हो सकते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि जो प्लांट्स uh, का नोमिन है वो पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाएगा ये बेसिक पॉइंट है देखिए ये जो छह प्रिंसिपल्स हैं ये आइडिया देते हैं बेसिक आइडिया देते हैं जिनको नॉमिन प्रोसेस के आधार पर बनाने के लिए या नॉमिन क्लेचर की प्रोसेस में जाने के लिए जो हमारा ऑथर होता है उस ऑथर को अपने दिमाग में रखने की जरूरत है दूसरा क्या है जो रूल्स है रूल्स में जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उसमें आर्टिकल्स हैं ये ये रूल्स जो है आर्टिकल्स हैं ये डिटेल प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जो दैट इज कनेक्टेड विद अ नेम फॉर एग्जाम्पल रैंक फॉर एग्जाम्पल टाइप फॉर एग्जाम्पल प्रायोरिटी

क्योंकि टाइप में हम टाइप से निर्धारित करेंगे कि कौन सा टाइप है? टाइप है आर अगर छह नहीं मिलते तो हम उसी लोकेलिटी में जाकर एक नया टाइप लेते हैं बट इट नथिंग टू डू ओरिजिनल मटेरियल तो अब इसी तरह से प्रिंसिपल पब्लिश फर्स्ट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड लेकिन कब लीनियस के बाद, में 1753 के बाद अब इफेक्टिव और वैलिड पब्लिकेशन क्या होगा लाकर किसी प्लान का, का नाम, इसका नाम ये होगा जब तक हमने उसको एफेक्टिविटी नहीं दी, तब तक वो नहीं लेकिन दूसरा जो इसमें और जो रूल्स है रूल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम कितने लोगों ने पब्लिश किया सिंगल आदमी ने पब्लिश किया सिंगल ऑथर ने पब्लिश किया दूसरे ने पब्लिश किया या तीन लोग दो लोगों ने मिलकर पब्लिश किया तो वो ऑथर है ऑथर का ऑथोरिटी

या क्लस्टरिंग ऑफ हुआ होगा तो में क्या रिटेंशन में कौन से अधिकार होंगे कौन से नहीं होंगे इसके कौन से रिजेक्ट कर सकते जो इनलेजिटीमेड है उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं इसी तरह तो हाइब्रिड के नॉमिनचर कैसे होगा आईसीएनसीपी उसमें भी एक रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी है उस पर बात करेंगे साथ ही जो हाइब्रिड्स हैं हाइब्रिड्स का नोमिनक्लेचर प्रोसेस कैसे हुआ तो ये भी हम आज बात करेंगे

जैसे एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि टोटोनियम्स है टोटोनियम्स में जो सेम जेनेरिक नेम होता है सेम स्पीसीज होता है जैसे मेलस मेलस ये मिस आइडेंटिफाइड है तो उसको लेटर ऑन दैट बीन चेंज लेकिन कौए का नाम क्या कॉर्वस कॉर्वस है तो यानी कि जेनेरिक नेम इज फॉलोड बाय द नेम सो दैट इज हैपनिंग इनटू द जूलॉजिकल जोलॉजिकलचरल नॉट इनटू द बोटेनिकल नॉमिकलेचर द एप्लीकेशन ऑफ द नेम ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ नॉमन टाइप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन द सेकंड रूल क्लेरिफाई दैट अगर मैं कोई जंगल में गया फॉरेस्ट में गया और मैंने उसको कहा कि मैंने ये फोटो इसका ले लिया है और इस फोटो के आधार पर मैंने इसको नई बना दी तो दैट इज नॉट करेक्ट मैं मैं व्हाट व्हाट आई डिड वी कैन से अ प्लांट जो कलेक्टर है उसको सबसे पहले कलेक्शन करना पड़ेगा उसका हर्बेरियम बनाना पड़ेगा और हर्बेरियम बनाने के बाद वो छह हर्बेरियम स्पेसीमे कम से कम फॉरेस्ट से लाएगा और छह स्पेसिमेन जब वो हर्बेरियम के अपने फॉरेस्ट से लाएंगे तब वो जो 6 टाइप्स हैं 6 टाइप्स आपके निकल गए वहां पर अब उन टाइपों में क्या अभी वी विल कम ऑन दिस इनटू द डिटेल डिस्कशन बट माय पॉइंट इज दैट द द नेम इज एसोसिएटेड विद द टाइप वन ये हर्बेरियम सीट बहुत इंपॉर्टेंट है हर्बेरियम सीट के बिना ना, नामकरण नहीं हो सकता है इसलिए हर्बेरियम शीट का होना जरूरी है अब कौन सा टाइप है दैट वी विल डिस्कस लेटर

सबके पास तीनों के पास पौधा है uh, उसका हर्बेरियम सीट है उसका व्हाट वी कैन से पॉइंट्स आर देयर बट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज द हु पब्लिश फर्स्ट पब्लिश कहाँ करेगा आप आजकल तो बड़ा आसान है अभी इस पर भी बात करेंगे वैलिड पब्लिकेशन 1956 में जब कोड बना तो आ, कौन सा वैलिड पब्लिकेशन था बोटेल लेबोरेटरी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना था लेकिन आज के दौर में क्या है जब हम आई आ, बात कर रहे हैं तो आजकल तो सब जर्नल्स अवेलेबल हैं और उसमें आई नंबर होना अनिवार्य अगर नंबर जर्नल में नहीं है बुक्स में आई एस नंबर होता है और जर्नल्स में आई एस नंबर होता है तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है

वो केवल एक करेक्ट नेम हो सकता है यानी कि पूरे विश्व में एक प्रजाति जो है वो एक ही प्रजाति के नाम से जानी जाएगी इंडिका इज मैंगीफिकाज बेस्ट एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग इन अमेरिका यू आर टॉकिंग इन अफ्रीका यू आर टॉकिंग इन हिंदुस्तान यू आर टॉकिंग इन इंग्लैंड सो ऑल ऑफ इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो इज द देंगीफेरा इंडिका दाइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांटेड एज इन लैटिन रिकार्डलेस ऑफ दर ओरिजन वो पहुंचा कहीं भी रहने वाला हो कहीं का भी कलेक्टेड हो

So these retroactive one, and so these are the six principles. So these principles are giving the guidelines to go for the process of the uh, nomenclature. And the another interesting point in this case. So in, in this case, you can see uh, the rules of ICBN, uh, as a, there are different uh, there are rules. We will discuss one by one also, but uh, that has been profounded by uh, Len Zhao in uh, uh, 1956. And these rules are as follows. For example, the, all those plants जो भी पौधे एक जीनस को दर्शाते हैं उसमें एक जेनेरिक नेम से ही प्रदर्शित किए जाएंगे या एक ही जेनेरिक नाम से जाने जाएंगे लॉन्ग जेनेरिक नेम विद डिफिकल्ट प्रोनाशिएशन मस्ट भी अवॉइडेड

तो जो स्पेसिफिक नेम है उसको प्लांट्स uh, की जो और रिलेटिव्स हैं उनसे डिफरेंट uh, किया जाता है या उनको हटा दिया जाता है वहां से द ओरिजिनल नेम ऑफ द प्लांट डज नॉट गिव स्पेसिफिक डिफरेंस तो जो ओरिजिनल प्लांट है वो जो है आपका जो जो स्पीसीज डिफरेंस है आर्टिकल 264 सिक्सटी क्लेरिफाई करता है ओरिजिनल प्लेस ऑफ द प्लांट नॉट गिव ए स्पेसिफिक डिफरेंस यानी कि जो ओरिजिनल है या दूसरी जगह स्पीसीज हो रहा है उसका डिफरेंस हम नहीं लेंगे यानी कि कहां का नेटिव है और कहाँ चला गया उसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा अगर थोड़ा बहुत क्लाइमेटिकली जलवायु के अंतर्गत डिफरेंस होगा वो स्पीसीज लेवल पर या आइडेंटिफिकेशन से या आईसीबीएन से उसका कोई मतलब नहीं होगा जो भी एक नया uh, जीनस बनाएगा उसको इसका नाम देना होगा रूल टू हंड्रेड एंड एटीन इसको क्लेरिफाई करता है तो जब हम बात कर रहे हैं कि रूल्स uh, की तो रूल्स uh, में uh, सबसे पहले आता है रैंक अब रैंक की बात करते हैं तो रैंक में सबसे बड़ा जो रैंक है वो किंगडम है किंगडम में डिवीजन है डिवीजन में क्लास है क्लास में सब क्लास है क्लास सब क्लास में ऑर्डर है ऑर्डर में सब ऑर्डर है सब ऑर्डर के नीचे फैमिली है सब फैमिली के नीचे जीनस है जीनस के नीचे सब जीनस है सेक्शन है स्पीसीज है कैटेगरी है सब स्पीसीज है वेराइटी है सब वेराइटी है फॉर्म और क्लोन यानी कि अगर हम रैंकिंग सिस्टम में बात करें तो सबसे नीचे क्लोन और सबसे ऊपर किंगडम लेकिन uh, दस डिविजन कैन फॉर्म अ किंगडम और एक डिवीजन में एक किंगडम में दस डिवीजन हो सकते हैं या एक डिवीजन में दस क्लास हो सकते हैं या एक ऑर्डर में दस सब ऑर्डर हो सकते हैं तो ये आ, ज, रैंक्स हैं जो छोटे बड़े ऊपर नीचे को क्रम में होते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर किंगडम की संख्या कम होगी डिवीजन की संख्या उससे ज्यादा होगी क्लास की संख्या उससे और ज्यादा होगी इसी तरह सब ऑर्डर फैमिली सब फैमिली जीनस सब जीनस सेक्शन स्पेसिज कैटेगरी अब लेकिन जो महत्वपूर्ण बात ये यहाँ पर इसमें रैंकिंग सिस्टम है हालांकि हम क्लोन लेवल पर भी जाते हैं लेकिन जब हम आइडेंटिफिकेशन uh, की बात करेंगे या हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो स्पेसीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इज अ स्ट्रक्चरल एज एज वेल द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो अगर हम क्लासिक क्लासिक्लाज के क्लासिफिकेशन में जाएंगे उसके नामकरण में जाएंगे तो सबसे पहले हमें स्पेसीज ही तो चाहिएज के बिना हम उसका ना तो नामकरण कर पाएंगे और ना हम उसको कोई क्लासिफिकेशन uh, उससे बना पाएंगे तो जो रैंक ऑफ टैक्सा है तो रैंक क्या है टेक्सॉन क्या है ग्रुप है ऑफ 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 प्लांट यूनिट एनी रैंक अ टेक्साइज है टेक्सॉन का फॉर एग्जाम्पल ब्रेसिका कैंपेस्ट्रीज जो है वो लिन ने ने लिनियस इसको कहा कि टेक्सॉन है या जो ब्रेसिका कैंपेस्ट्रीज फुल स्टॉप है वो टेक्सॉन है जो प्रेसिकेसी है उसकी फैमिली है वो भी टेक्सॉन है ठीक है तो अब हम इसमें क्या करते हैं प्रिफिक्स का इस्तेमाल करते हैं प्रिफिक्स का मतलब जो पहले शब्द लगेंगे और सफिक्स का मतलब बाद में लगेंगे तो तो जैसे सब फैमिली, सब जीनस, सब तो सब फैमिली जीनस इज अ क्लियर और इसी तरह से बाई इंट्रोड्यूसिंग द सप्लीमेंट्री टर्म बिटवीन द टू प्रिंसिपल रैंक ऑफ द टैक्सा बिटवीन फैमिली एंड जीनस क्या होता है ट्राइब होता है बिटवीन जीनस एंड स्पीसीज क्या होता है सेक्शन एंड सीरीज होता है बिटवीन स्पीसीज वैरायटी एंड फॉर्मा

प्रिंसिपल uh, करता है साथ ही वो कहता है कि वो लेजिटिमेट लेजिटिमेट होना चाहिए उन उनको छोड़ते हुए जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है जो प्रिंसिपल जो प्रायोरिटी में आता है फैमिली तो जो है वो हम फैमिली को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम कहते हैं कि साहब रोजा रोजेसी पोया पोएसी रोटा रोटेसी तो ये ए सी ई ए ई तो हमने ये सफिक्स लिया सफिक्स का मतलब बाद में लगने वाले शब्द और हम कुकुरटेसी अगर बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल कुकुरटेसी की जब हमने बात करी तो हमें कुकुरबिटेसी ए सीई सफिक्स -E मिल गया यानी कि जो भी टर्म में ए सी ए लगा होगा जैसे लेरकेसी है है, पोएसी है है तो ऑर्किड इज देयर सो दिस स्पेसिफिक द जीनस बिगिन ऑलवेज कैपिटल लेटर ऑफन जेनेरिक नेम कंसिस्ट ऑफ only सिंगल वर्ड

दो इपिथेट्स है दो इपिथेट्स है दूसरा स्पीसीज है तो अब जो स्पीसीज नेम बिगिन विदॉल लेटर एंड इफ द इपिथेट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड और मोर वन सो अगेन

तो यानी कि हम फैमिली को कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे अगर ए सी -E -E है तो दैट मीन दिल्ली अभी हम आई एन ई एन ई ए तो हमने अगर इसका सफिक्स uh, इस्तेमाल किया तो चीनो पोडी नहीं चीनो पॉडी नहीं यानी कि सब ऑर्डर की बात कर रहे हैं इसी तरह तो हम ऑर्डर uh, की बात कर रहे हैं मालवेल्स रोजेल्स क्लियर तो एल्स इज देयर सो वंस द इज देयर सो दैट मीन दिस इज डिनोटिंग द ऑर्डर So, the, this code the नहीं फॉलो कर रहा है सबिक्स को नहीं फॉलो कर रहा है तो चेंज हो जाएगा तो ये देखिए बहुत रेट्रो uh, एक्टिविटी हो रही है आईसीबीएन uh, में उसको आसान बनाने के लिए उसको सरल बनाने के लिए प्रयास हो रहा है और ये प्रयास में वो कारगर भी रहे हैं जैसे पोलिगोन ए सी ए सी ए है तो फैमिली ऑर्डर -E तो सब, सब तो अब कुछ फैमिलियो के नाम पुराने से पहले प्रचलित रहे लेकिन बाद में वो आईसीबीएन रूल के समय नहीं आ पाए उनको चेंज की जरूरत पड़ी तो जैसे क्रूसी फरे क्रूसी फरे इज नॉट फॉलोइंग द आईसीपीएन रूल बिकॉज ए सीई एज नॉट देर सो दिन चेंज एज द्रेसिक एसी Composity, Composity का नाम चेंज uh, करके एस रेसी का दिया गया तो लेकिन उसका जो दूसरा पहला वाला नाम है वो भी अलाउड है लेकिन बट इफ आईम जस्ट टॉकिंग अब सीबीएन रूल तो दट इज नॉट बी फॉलोइंग

हमें उसके फूल के खिलते हैं सफेद फूल जब खुलता है सेल्विया का तो हम उसके आसानी से आकर्षित हो जाते हैं और ये लेबिया फैमिली का लेबियाटी फैमिली जो है वो टेक्निकली फैमिली कहलाती है और फैमिली जो है वो एरोमेटिक फैमिली है इस बात को इंपॉर्टेंट है और इसमें से स्मेल्स आती है आप यू कैन आइडेंटिफाई इट ऐसे ही जो हमारी फै, फैमिली है लेगुमिनेसी फैमिली में लिग्यूम्स होते हैं और साथ ही हम जब हम बात करते हैं एपीएससी फैमिली एपीएससी फैमिली को हम कॉन्डिमेंट फैमिली भी कहते हैं जिसको हम मसाला फैमिली भी कहते हैं तो इसी तरह से जब नामकरण की प्रोसेस शुरू होती है रैंक की बात करते हैं तो रैंक की बात में जो सफिक्स हैं और जो पहले प्रीवियस हमने प्रीफिक्स फॉलो किए लेकिन लेटर ऑन जो डिफरेंट रैंक्स पर बात करेंगे तो सफिक्स का फॉलो होना जरूरी है जिसी तरह से uh, कुछ uh, कुछ um, जो नेमिंग डिफरेंट डिफरेंट नेम के प्रोसेस um, आए थे उनको भी बात करना चाहेंगे जैसे ऑटोनोम्स है ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश नेम है इट इज एस्टैब्लिशड बिलो द फैमिली एंड जीनस लेवल ऐसी तरह कंजर्व्ड नेम है कंजर्व्ड नेम टू अवॉइड चेंजेस सर्टेन नेम ऑफ द रैंक ऑफ द फैमिली आर आल्सो बिलो द रैंक कंजर्वेशन सो द करेक्ट नेम the name which is adopted under the rule of the taxon with a particular circumscription position and rank called the correct name homonyms the name is spelled identically but based on different types so this is the homonyms the naked name the name which is published without description or references these uh, names are not val uh, validly published so these are the some terms which are associated with the uh, this uh, whole uh, process of icbn now the another uh, rule is there the another rule is very important one The, this is type. Type, type की जब हम बात करते हैं तो टाइप में सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि हर्बेरियम हर्बेरियम सीट जो है वो ही टाइप है क्योंकि उसी से नाम निकला है इस बात को आप बहुत आसा, आसानी से समझ सकते हैं कि जो जब हम जंगल में अपने स्पीशीज को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो कम से कम छह स्पेसिमेन लाने अनिवार्य हैं और छह स्पेसिमेन आते जब हम तो वो नई स्पेसीज अगर तो वो जो नया जो उसके डिफरेंट टाइप्स को निर्धारित करते हैं तो जनक है जिससे नाम का जन्म होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आर्टिकल और दिस आर्टिकल रूल्स क्लेरिफाई दैट द नॉम क्लेचरल टाइप वी के नॉट गो फॉर द नॉमिंग प्रोसेस The type specimen uh, which has been collected by the investigator for first time, not identified uh, earlier, new names as per the rule of the ICBN. The type is a constituent element, taxon, name of the taxon is permanently attached. Principle two clarify that the application of the name of the taxonomic group it is determined by means of nomenclatural type. प्रिंसिपल ने clarify, clear, बिल्कुल किया है कि जो नेम का प्रोसेस का एप्लीकेशन होगा वो कोई भी ग्रुप का अगर हम नया नामकरण करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टाइप होना जरूरी है इसीलिए आपका हरबेरियम अगर आपके हरबेरियम में आ, दस हजार टाइप है तो आपका हरबेरियम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने दस हजार प्रजातियों के नाम दिए है द स्पेज एज न्यू ऑथर इंडिकेट्स टाइप अगर कोई भी स्पीसीज को हम नई की बात करेंगे कि नई है तो वो उसमें टाइप का होना जरूरी है द स्पीसीज इंफ्रा स्पीसीज नेम्स टाइप इज इंडिविजुअल स्पेसिमेंट टाइप न्यू स्पीसीज द हर्बेसियस सीट हर्बेसियस हर्बे द हर्ब व्हिच इज माउंटेड ऑन ऑन अप्रोप्रिएट सीट इज कॉल्ड द सीट इज अ टाइप सो टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट वन And the, when the specimen cannot be preserved, so figure, illustration, description, uh, this is also denoting the type. The type of the genus is the species and family is the genus. So genus is a type of the family and the species is a type of the uh, genus. There are uh, there are seven types has been recognized. The first type is called the holotype. The second type is called the isotype or co-type. The third type is called the paratype. Fourth type is a syntype, Fifth type is a lactotype. Sixth type is a neotype and seventh type is the topotype. These types are very important. Again, I'm repeating the point principle to clarify that the nomenclature process cannot be done without the type. The holotype for example, the single specimen maybe a whole uh, plant or maybe the part of it with the name of the taxon is permanently attached. So the type, the herbarium sheet, which has been studied by the founding author at a time of describing new taxon is called the holotype. The, taxon, the holotype is very important one because the new names comes from the, this type.

जो है वो विद द द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन होलोटाइप यानी कि एक, एक होलो या डुप्लीकेट अगर उसके, उसके पार्ट से निकाल के हमने उसको किया है तो वो आइसोटाइप कहना है तीसरा जो टाइप, वो टाइप है वो है पैराटाइप का मतलब है कि थर्ड स्पेसिमेन यानी कि दूसरा स्पेसिमेन कह सकते हैं तीसरा स्पेसिमेन जो

उन्होंने जब उसको निर्धारण नहीं किया तो होलोटाइप के साथ साथ आइसोटाइप और पैराटाइप भी नहीं बन पाया तो उस कंफ्यूजन को रोकने के लिए जो सिंटाइप है वो स्पेसिमेंट जो है वो न्यूटे का आधार बना जब हेलोटाइप इज नॉट बीन डेजिग्नेटेड पांचवा प्रकार है लेक्टोटाइप लेक्टोटाइप में क्या है टाइप इज चोजन टू सर्व द अर्लियर आइर होलोटाइप वाज लॉस्ट और अगर जो ऑथर ने जो नामकरण का काम कर रहा था जो जो न्यू आइडेंटिफिकेशन में काम कर रहे थे उन्होंने अपना जो होलोटाइप निर्धारित किया था वो लॉस्ट हो गया डिस्ट्रॉय हो गया तो एक उसी कलेक्शन में से एक दूसरा टाइप ले लिया जाता है और उस टाइप को कहते हैं लेक्टोटाइप छठे प्रकार का जो है वो न्यू टाइप न्यू टाइप का यानी कि कोई निर्धारण ही नहीं है किसी का भी होलोटाइप आइसोटाइप पैराटाइप इन टाइप का निर्धारण नहीं है

तो हम पे टॉप गए उसके कई साल बाद और वहां से स्पेसिमन को लाए और हमने कहा कि ये जो उसका टाइप मिसिंग था उस टाइप मिसिंग को हम यहाँ से निर्धारित करेंगे और इस निर्धारित करने के साथ साथ जो हमारा टाइप है वो एक नया क्योंकि टोपोग्राफी सेम टोपोग्राफी से है इसलिए वो टोपो टाइप कहलाएगा तो ये सेवन टाइप्स से हैं सेवन टाइप्स में होलो टाइप आइसो और कोटाइप पैरा टाइप, टाइप सिंटाइप लेक्टोटाइप एंड देन एंड

current name that should be legitimate that should be valid and that should be published in case of exception of the um, priority of conservation the valid publication date is a may 1753 when the linnaeus has published the species plantarum in Maasai, fungi and algae the date is different for example uh, for algae the this is a basic uh, initial cutoff date is the uh, 1900 why because at this day, uh, uh, in 1900 Helm published his uh, um, monograph on odiogonacin uh, um, uh, that is known as the iconographic dar odiogoniosin so they, this has been published by the linear. so that, uh, this has been published by the Helm. so the name of the uh, algae initial cut date is different the, for the same one is for fossil plant the 31st december 1820 is the naming process for uh, this um, um, fossil plant Another one is the tautonyms. Tautonyms is very common in uh, geological nomenclature, not in botanical nomenclature. So once you are following this process, so your name is not going to be correct, clear? So that can be changed. So for example, the maleus meles, that has been changed. The corvus corvus, for example, kava, it's, it's come into the uh, geological nomenclature. So the, uh, this uh, tautonyms is very common in, is very popular in uh, geological nomenclature, not in um, botanical science. That this is, so that's why the botanical nomenclature is independent to the geological nomenclature. तो so, uh, so, हमने बात करी थी कि प्रिंसिपल प्रायरिटी प्रायोरिटी का मतलब था की जिसने पहले पब्लिश किया उसका नाम माना जाएगा और जिसने पब्लिश नहीं किया उसका नाम नहीं माना जाएगा लेकिन अगर हम uh, पुराने तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करें तो भी हमारा नाम नहीं माना जाएगा क्योंकि उसको लीनियस ने अगर डिस्क्रिप्शन के साथ उसको नामकरण किया है तो वी हैव नो राइट टू गिव द न्यू नेम्स टू द सेम प्लान सो दूसरा जो एफेक्टिव और वैलिड पब्लिकेशन की बात कर रहे थे कि आज जो मैंने बताया कि 2020 में जब हम बात कर रहे हैं तो 2020 में आज बहुत सारे जर्नल्स हैं और टेक्सोन सबसे बड़ा जर्नल टेक्सोनोमिकल स्टडीज में है और ये इस जर्नल कोई भी जर्नल में अगर हम अपना जो प्लांट्स है उसको हम नया लाए हैं उसको अगर वो हमारे रिलेटेड फील्ड का है तो हम अपना अपने द्वारा दिए गए प्लांट्स के साथ जो फॉर्मेलिटीज हैं जो लेजिटिमेट है उसके साथ आप नॉमिनक्लेचर अपना नाम प्लांट्स का नाम पब्लिश कर सकते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायरिटी स्टैब्लिश दैट द पब्लिकेशन इज अ इंपॉर्टेंट स्टेप इन नॉमिक्लेचर तो कहने का मतलब है कि जो प्रिंसिपल है कैसे निर्धारित होगी मान लीजिए हम तीन लोग हैं हम चार लोग हैं हम पांच लोग हैं, हम सेम स्पीसीज को कलेक्ट कर रहे हैं और नया नाम देने का प्रयास कर रहे हैं तो आप किसका माना जाएगा? उसका माना जाएगा जिन्होंने सबसे पहले उसको किया। तो ये दो तीन uh, जगह uh, लेबोरेटरी में उसको डिस्ट्रीब्यूट uh, कर दिया तो ये क्या ये वैलिड है तो नेम इज इज नॉट नॉट वैलिड इट पब्लिश ठीक है इसी तरह से सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो उसमें क्लेरिफाई है कि कौन से कंडीशन हैं डेट्स हैं जो वैलिड पब्लिकेशन का या जो वैलिड पब्लिकेशन ऑफ नेम है आईसीबीएन का जो रूल कहता है उसके आधार पर उसको निर्धारित किया जाता है वेन द नेम इज पब्लिश डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए उसमें उसका जो इंटरेस्ट है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पब्लिक के साथ होना चाहिए और उसके साथ जो जो जिस भी व्यक्ति ने उस पौधे के साथ काम किया है या उसका पुराना नाम दिया है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंस होना चाहिए प्रीवियस स्टडी का यही इफेक्टिव पब्लिकेशन है तो पब्लिकेशन का मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी का नाम छाप दिया किसी का नाम प्लांट्स का नाम छाप दिया उसके साथ जो प्रीवियस कनेक्टेड वर्कर्स थे बॉटनिस्ट थे उनका नाम भी कनेक्टेड होना चाहिए यदि नाम परिवर्तन इसमें हम ऑथोरिटी पे आएंगे तो तब हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह से हम उनको इफेक्टिव बना सकते हैं आईसीबीएम डॉट अप्रूव दोन डील्स विदिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेम एंड टेक्सल डिस्क्रिप्शन कहने का मतलब ये वैलिड पब्लिकेशन का मतलब सिर्फ नाम नहीं है उसके संग उसका टैक्स उसका जो मटेरियल है और जो डिस्क्रिप्शन है वो भी उसके साथ होना चाहिए अ प्लांट थॉट इफेक्टिवली पब्लिश विदाउट अ डिस्क्रिप्शन इज नॉट वैलिड तो यदि अगर प्लांट का नाम केवल हम दे रहे हैं उसके साथ उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं तो वो भी वैलिड नहीं है आर्टिकल 29 29 क्लियरली कहता है कि जो नर्सरी कैटलॉग्स है या सीड एक्सचेंज लिस्ट है ये इफेक्टिव पब्लिकेशन नहीं है The following are the important conditions for the valid publication. The pub publication must be effective and it should be accompanied by the Latin description. If it is a name is not in Latin, so it is again a illegitimate one. The printed material is distributed to the general public or at least 10 botanical institutions. So, अब जो अब मैंने बात करी लेटेस्ट में आज क्योंकि नेट का इंटरनेट का जमाना है तो कई सारे जर्नल ऑनलाइन होते हैं ऑफलाइन होते हैं तो आप जो वैलिड जर्नल्स हैं उनमें उनका नाम पब्लिश कर सकते हैं अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है साइटेशन इज देयर सो दैट मीन इन ए वन लाइन यू कैन गेट द होल इन्फॉर्मेशन द फेले और इंडोनेशिया द नेम एज बिन गिवन बाई एल uh, so, फुलजोरिटी So, authority L full stop. So, this is a Linnaeus. And the SP full stop, PL full stop is a species plantarum, the flora that has been published by the lineus. In the page number 55, which has been published in 1783. 1753. So, that should be corrected. And this is not incorrect into the uh, this um, um, presentation. िसंटेट गिवन गिवन बाई द लीनियस इन स्पेसिस प्लांटेरियम इन सेवन एंड ओपनिंग पेज नंबर अगर हम पेज नंबर प्लांटेरियम का खोलेंगे तो हम फेलेरिस ऑरटे मिल जाएगा जिसका डिस्क्रिप्शन लीनियस ने वहां पर मौजूद कर रखा है उन्होंने लिखा है इसी तरह से डिजिटेरियारिस है डिजिटेरियारिस एल फुलॉप इन ब्रैकेट

ठीक है लीनियस ने क्या नाम दिया था पेनिकम सेंट दिया था स्पीसी प्लांटेर में पेज नंबर 47 सेवन में उसका डिस्क्रिप्शन है और सत्रह सो सत्रह में ये नाम लीनियस ने दिया था लेकिन uh, ने कहा कि ये जो है वो मिस आइडेंटिफाइड है वो डिजिटेरिया है उन्होंने दूसरा जीनियस निकाला पेनिकम से ठीक है लेकिन स्पीसीज को रिटेन किया है स्पीसीज है सो डिजिटेरियानियस दैट इज इन ब्रैकेट Clear? So the, जो है, उसको आ, ने क्या किया किया था? किया था। और उसका उन्होंने वृतांत जो है वो स्पीसी प्लांटेरियम के 47 पेज पे लिखा जो 1753 में उन्होंने इसको पब्लिश किया लेकिन इसको ने उसको कहा कि ये दो जीनस हैं, एक जीनस के साथ रखा गया है तो उन्होंने सैंक्विनेलिस साथ ही उन्होंने कहा कि इसका नाम डिजिटेरिया है तो डिजिटेरिया जो प्रीवियसली हैड बिन डिस्क्राइब बाय द लीनियसो लीनियस इट इन द ब्रैकेट और लेटर ऑन क्या है स्कोपोली ने उसको फ्लोरा कार्सिनोला में किया

Indirect, we are getting the very uh, clear um, uh, identification on this one. Another one is the uh, citation of um, author. The citation of author is very important. Authority one, authority who published that? Clear? Who published that? So this this clarify the issue that uh, who published that? So who published that is a very important one. is a, is known as the authority. So for example, the Mimosa podika

अब ड्यू गार्ड के साथ साथ क्या हुआ अगर हम मैंगी फेरा की बात कर रहे हैं तो लीनियस की बात कर रहे हैं लीनियस ने इसका नाम दिया तो अगर हमारे मन में जिज्ञासा है कि आम को आम क्यों कहा गया तो हम क्या करेंगे कि इस लीनियस के लिटरेचर को छानेंगे और उस लिटरेचर को छानने के बाद हमें मैंगी फेरा इंडिया का जो जो नाम है वो उससे हमें मिल जाएगा कि उन्होंने किस करेक्टर के आधार पर नाम इसका मैंगी फेरा रखा ठीक है तो अब <coughs> कहने का मतलब यह है कि अब जो बॉटनिकल नेम है

डिस्क्रिप्शन की बात करता है कि कहां से हमने उसको डिस्क्रिप्शन लिया है कौन से पेज पर पे हमको डिस्क्रिप्शन मिल सकता है या डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है? हम डेट ऑफ पब्लिकेशन को को भी यहीं से निर्धारित कर लेते हैं या हम उसकी जानकारी हासिल कर लेते हैं अब मान लीजिए दो ऑथर ने उसको जॉइंटली मिलकर काम किया उस पर तो जो दो जब दो ऑथर मिलकर काम करेंगे जैसे ओपेंसिया पोलराइडी ब्रिट एट रोज तो एट जोड़ा गया एट जोड़ा गया है तो एट जोड़ने का मतलब है कि दो लोगों ने इस पर the, कि कलेक्शन किया और नामकरण किसी और ने किया जैसे विंटर बॉटम और स्ट्रेची का हुआ विंटर बॉटम और स्ट्रेची ने कलेक्शन किया हिंदुस्तान में और पूरा वेस्टर्न हिमालय का उन्होंने पब्लिश किया लेकिन पब्लिश नहीं कर पाया पब्लिश करने का काम किया तो इसी तरह तो तो ये इसके बीच में एक्स आ जाएगा अब एक्स आ गया जैसे एग्जाम्पल कैन फाइंड द एग्जाम्पल्स इन दिस केस तो बीच में एक्स हम उसके लगा देंगे जैसे बुखैम एक्स डीडोन है या यहाँ uh, कैपरिस रॉबर्ट ब्राउन एक्स डीसी तो डिकेंडोल और रॉबर्ट ब्राउन दोनों दोनों रॉबर्ट ब्राउन ने पहले उस पर काम किया बट ही कुड नॉट पब्लिश द इज नेम सो दैट्स व्हाई द डिकेंडोल हैज गिवन द नेम तो हम बात कर रहे थे ऑथर्स की बात कर रहे थे ऑथोरिटी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो हम पौधों का जिसने नामकरण किया है उसका ऑथर कौन है किसने उसका नाम लिखा किसने उसका नाम बनाया तो वो उसको भी ऑथोरिटी उसका सम्मान मिले उसके लिए तो ये आईसीबीएन क्लेरिफाई करता है और इस क्लेरिफाई में जैसे एग्जाम्पल है कई सारे एग्जाम्पल्स हैं महमोजा पुडिका का एग्जाम्पल है एल्फुल तो कहने का मतलब यह है कि मेमोजा जो पुडिका है वो लीनियस ने उसका नाम दिया इसलिए लिनियस का एब्रीबियन एल फुल पर है लीनियस को एल आई एन एन फुल लेकिन अब लेटेस्ट टर्म जब हम आज 2020 में है तो इसको हम एल फुल लिख रहे हैं और वही कॉमन भी है और सबसे बड़े सिस्टमेटिक बॉटनी में जब हम बात करते हैं तो एल स्टॉप लिखेंगे तो पूरा जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा उसमें हम एल फुल स्टॉप एक ही का एक ही इस्तेमाल करेंगे यानी कि हम एल आई एन एन फुल अगर फुल स्टॉप फुलस्टॉप करें तो सारे जो हमारा टेक्स होगा जितने बार लीनियस का नाम आएगा हम उसको एल आई एन एन फुल स्टॉप ही इस्तेमाल करेंगे इसी तरह बेंथ को बेंथम को बी एन टी फुल स्टॉप हुकर को एच ओ के फुल स्टॉप ऐसे एब्रिविएशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है

अब जब बात हुई मैंगीफेरा इंडिका की इसके एग्जाम्पल से समझते हैं उस एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि जो हमें ओरिजिनल चाहिए यानी कि मैंगीफेरा इंडिका किसने नाम रखा लिनियस ने नाम रखा तो ओरिजिनल हमें उसके उसके जो उसके जो है पेज नंबर मेंशन किया गया है वो थ्री में पब्लिश किया उसके आधार पर हम उसका ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं दूसरा हमको टाइप का पता चल जाएगा कि लिनियस ने जो मैंगीफेरा इंडिका का टाइप बनाया वो कहा उन्होंने सुरक्षित रखा है तीसरा जो है वो डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है तो डेट ऑफ पब्लिकेशन हमको इस जो ट्रेस पॉलिसी है जो ओरिजिनल पॉलिसी है या जो ऑथोरिटी की नाम रखने की जो पॉलिसी है उसके आधार पर हमें मिल जाएगा यदि दो ऑथर जॉइंटली काम कर रहे हैं तो जो जो दोनों को बराबर की साझेदारी मिले जैसे ओपनसिया पॉलर ब्रिट एट रोज तो दोनों ना, जो दो ऑथर्स हैं उनके बीच में हम क्या कर देंगे एट लगा देंगे ठीक है ती, तीसरा जो जो authority के बाद जब हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम आगे चल सकते हैं यानी कि कोई जैसे मैंने दिया Winter Bottom और Stretchy का। Stretchy और का ने ने किया किया लेकिन ने उसको बाद में 1906 में 1906 तो Senesio, जैसे यहाँ पर भी इक्वल इंपॉर्टेंस की बात है क्योंकि एक ने उसको खोजा है और दूसरे ने उसका नामकरण किया है तो जैसे बुक डी डोन तो एक्स एक्स -E उसके बीच में हम दो ऑथर्स के बीच में एक्स लगाएंगे ताकि जो 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 दो ऑथर्स हैं उनको इक्वल इंपॉर्टेंस मिल सके इसी तरह है डॉट एक्स डी सी डी डिकेंडल तो रॉबर्ट ब्राउन एक्स डी डिकेंडल एक्स जो है स्मॉल होगा रिमेम्बर दिस पॉइंट वेन स्पेसीज डेजिग्नेटेड इन वन जीनस एंड लेटर ट्रांसपोर्ट टू द अनदर वन So, spurium डबल है। कहने का मतलब यह है कि एंटीर स्पुरियम लीनियस ने एक नाम दिया जीनस को जो कॉम्बिनेशन ऑफ जीनस जिसमें बाद में जब स्टडी की गई तो उसमें लगा मिलर ने कहा कि नहीं साहब ये दो जीनस है तो उन्होंने उसकी स्पीसीज तो सेम रखी स्पुरियम

कहने का मतलब यह है कि लिनियरिया एस्पूरियम में पहले काम लीनियस ने किया और बाद में उसे मिलर ने आ, उसका नाम बदला या उसको जो एक जो जीनस था उसके कौम्णे, कॉम्बिनेशन को तोड़ते हुए उन्होंने दो जीनस निकाले लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है स्पीशीज को रिटेन रखा है स्पीशीज सेम है इसी तरह से लीनियस का जो एब्रिविएटेड वर्ड है एल है एडनसन का एडन है स्कोपोली का स्कोप एस सीओपी फुल स्टॉप रॉबर्ट ब्राउन का आर डॉट बी आर डॉट रॉबर्ट ब्राउन हो गए डीकंडोल को डीसी लिखते हैं तो ये एब्रिवेशंस uh, हैं जिस एब्रिविएशन के आधार पर स्पीशीज uh, को चेंज uh, स्पीशीज uh, को और जो जेनेरिक uh, नेम है और अथॉरिटी अथॉरिटी Uh, इस बात का निर्धारण करती है कि हम उसका ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन uh, ओरिजिनल जो ओरिजिनलिटी है उसका जो प्रीवियस uh, रेफरेंस है जो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है वो सब इसमें शामिल होता है अब इसी तरह से एक और रूल है वो है रिटेंशन ऑफ द नेम और रिजेक्शन क्या है किसको हम रिटेन कर सकते हैं किसको रिजेक्ट कर सकते हैं तो एक वन जीनस इज डिवाइडेड और मोर जेनरा ओरिजिनल जेनेरिक नेम मस्ट बी रिटेन फॉर द जीनस इंक्लूडिंग अगर एक जीनस को डिवाइडेड तो, अगर हम दो जीनस में कर रहे हैं या उससे ज्यादा में कर रहे हैं तो ओरिजिनल जेनेरिक नेम तो रिटेन होगा ही ठीक है और उसमें टाइप भी लिखा जाएगा

When a taxa of the the same rank are reunited to into the one, so plants authority authority retention किसका नाम किसका नाम retention नहीं होगा कौन reject हो जाएगा तो यानी ki जो एक genus है यदि हम उसको दो या दो से मोर genera जे, में अगर डिवाइड करते हैं तो जो ओरिजिनल जेनेरिक नेम है वो रिटर्न होगा

उसके आधार पर ही वो करेक्ट नेम माना जाएगा वेन द ऑफ द सेम रैंक आर यूनाइटेड इंटू द वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेम मस्ट बी यूज फॉर द कॉम्बिनेशन यानी कि जो अगर हम दो कॉम्बिनेशन uh, दो को जोड़ रहे हैं तो जो सबसे पहले का जो सबसे पुराना जो कॉम्बिनेशन है एज पर रूल है जो लेजिटिमेट है उसको माना जाएगा इफ द इफ द डेट इज द सेम अगर दी कॉम्बिनेशन कर रहे हैं डेट सेम है तो अब uh, जो ऑथर है उसके पास लिबर्टी है तो कितनी लिबर्टी है कि वो दोनों नामों में से एक नाम रख सकता है क्योंकि वो दोनों सेम डेट के हैं इवन जो जो जो, जो टॉटोनियम्स हैं उसको आप क्लियरली uh, उसको रिजेक्ट कर देंगे और द ऑथर हैज अ लिबर्टी टू कॉन देयर नेम बट इन दैट शुड बी लैटिन नेम ऑफ द जेनर विथ कैपिटल लेटर्स विथ स्पेसिज नेम विथ स्मॉल लेटर्स The, uh, जो जो पुराने डिस्क्रिप्शन uh, में यदि uh, 1753 से की बात कर रहा हूं तो uh, तो जैसे पिसार डाई, दो ने uh, ने इसको डिस्क्राइब किया तो ने उसको करेक्ट किया लेकिन दो आई रिटेन रहे यानी कि आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप एक आई भी हटा सकते हैं ऐसे ही पाइनस ग्रीफिथ आई है तो पाइनस ग्रीफिथ आई करेक्टेड विदॉल स्मॉल uh, लेटर्स इसी तरह तो जो जो चेंजेस हैं इन द नेम ऑफ द टैक्सा में रिक्वायर्ड

स्पेशली इन द फ्यूचर नॉम क्लेचर तो ये आ, अब ये जो रिकमेंडेशन है कि आ, जो क्लियरिटी है नेमिंग प्रोसेस में उसको बनाए रखा जाए उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है उसको बनाए रखा जाए अब कोई भी नाम रिजेक्ट हो सकता है अगर वो इलिजिटिमेट है आर सुपर प्लस करा गया है और इ पब्लिश इन कॉन्ट्रब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक रूल आ, मूल रूपों के जो नियम है उनका, उनका उल्लंघन करते हुए उसका नाम रखा गया है इट इज रिजेक्टेड जेनेरिक नेम उसको उसको भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं तो टोटोनियम्स है तो बोटेटिकल नॉमनक्लेचर में टोटोनियम तो का कोई स्थान नहीं है वो भी रिजेक्ट हो सकता है जैसे क्वेरकस अमेरिकन ओक क्वेरकस मिचॉक्स स्पेनिश ओक द क्वेरकस बोरियालिस मिचॉक्स एफ तो रेडर इसमें काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि जो क्वेरकस रूबरा है वो है। तो उन्होंने और बोरेलिस को नेम रखा और रूबरा को रिजेक्ट कर दिया। तो ये, ये जो नेमिंग प्रोसेस है वो सर्टेन रूल से अबाइड होती है ऑथर के पास बहुत सारी लिबर्टी नहीं है कि वो नया नाम रखेगा तो अपने मन से नाम रख लेगा ये ये सारी लिबर्टी उसके पास नहीं है उसको ऑन द आईसीबीएन रूल अब इसके साथ साथ जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं उसका नॉमिनक्लेचर प्रोसेस भी शुरू किया गया है या उसको नॉमिनचर प्रोसेस की एक प्रोसेस है द नेम ऑफ द कल्टीवेटर इज नॉट एनालॉगस टू बॉटनिकल वैरायटी एन आईसीएनसीपी जो हमने अभी तक बात करी है उसके ये उससे हटके है जो अभी तक हमने वाइल्ड बोटेनिकल नॉमिनचर की वाइल्ड प्लांट कलेक्शन की बात करी थी वो आईसीएनसीपी इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमिनक्लेचर ऑफ कल्टेटेड प्लांट्स Isma my the uh, name or normal botanical hierarchy is not applicable and it is replaced by the system based on taxonomic category called cultivars the cultivar uh, is an assemblage of a cultivated plant which is clearly distinguished by any character when reduced sexually or asexually cultivar names are written with capital initial letters and are preceded by the abbreviation cv and need not to be in latin or the italized जैसे है तो उसके बीच में सीवी सी बड़ा बी बड़ा सुगर बेबी सुगर बेबी कॉमन नेम है और उसका नेम है तो बोटेिकल जो आईसीएनसीपी है कल्टिवेटेड प्लांट क्लेचर में है उसमें सीवी या इनवर्टेड कॉमा के अंदर भी आप उसको लिख सकते हैं तो कुकुरबिटा पेपो टीवी टेबल क्वीन कैमेलिया जैपोनिका सीवी पर्पल डॉन सो तो ये दीज आर द द सम ऑफ सम्जाम्पल वेर वी कैन गो फॉर द नेमिंग ऑफ द कल्टीवेटेड प्लांट्स

तो ये हाइब्रिड्स हैं जिसमें डिजिटल पर और लुटिया है तो उनके बीच में अगर हम एक्स निर्धारित कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो हाइब्रिड है या, क्योंकि ये मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस जो ने दिए, तो और और वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन साइंस के दोनों के डिफरेंस है asplenium cross uh, phyllitis is a x asplino SC multiply polypogon multiply uh, andropogon so x is there so this is uh, again a hybrid is there so this is all about the icbn and uh, taxonomy of the um, uh, system of uh, botanical nomenclature so we can uh, we started the process from herbarium and then we discussed the icbn there are three clear parts principles rules as well as the Recommendation, and we discuss the all the points clearly by um, which is uh, which is a part of the either with the um, principles, either with the rules, or either with the uh, recommendations. So these recommendations are the practical applications. you can say so they basically these are the rules. So you must keep uh, in their mind before going to publish the new name. So there is uh, as per the policy, there is assignment is uh, for you for all the students. So you have to describe the what are herbariums or what is herbarium and describe their role then also you have to discuss that discuss the various types what are different types there are seven types you have to discuss all these one uh, how we can talk about the holotype how we can talk about a topotype describe the various principles of icbn and then we have to uh, we have to also discuss the what is ic and so we have to uh, you have to this is an assignment work uh, that is associated with the a lecture so, these are some of the references which uh, from which I got the information. These are some of the publications which have been done by our uh, team. So, this uh, uh, this, is, uh, this is our orchids of Nainital. Uh, this is a flora of Ranikhet. this is a lichens of Nainital and also uh, the medicinal flora of the Rai Hills. So, we have to start because we are dealing with the botany and this is a rainy season, so we can start a new, new uh, journey. So we can uh, change the whole world. So start your journey uh, for a new uh, uh, new arrivals, or you may collect more and more plants, and uh, still you can uh, join that. As I started the point from uh, the basic point that the Satralak species As I started the talk with the David and Edward, but it may be possible that the uh, five to 15 millions. And some of them have suggested that the 100 million um, um, bi um, uh, biological species are existing in the whole world. So still the possibility is more. So we can uh, find some more sp new species and so they definitely they will help them into the uh, curing this environment. Either we are talking about the climate change, either we are talking about the ecological degradation, we, we are talking about the eco ecosystem degradation. So we, how we can um, uh, meet out these problems. So, we have to save the biodiversity. We have to save the plant diversity. So, this is all about that. Thank you very much.